नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी कुंडली यानी आपके राशि के ऊपर बनी हुई ग्रह स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में मकर राशि वाले जातकों को विशेष उपलब्धि और बड़ी सफलता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, तो यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल को यदि आप समय से पहले देखते हैं तो आने वाले समय की स्थितियों को आप पहले ही जानकर अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और आने वाले समय में आप बेहतर सफलता को भी अर्जित कर सकते हैं और बड़ी खुशखबरी को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी मकर राशि वाले जातकों को इस राशिफल को समय से पहले जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपकी ग्रह स्थिति कैसी रहेगी, फिर आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। मकर राशि के जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली यानी आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी शनि माने जाते हैं और शनिदेव आपके द्वितीय भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। इसकी वजह से शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण भी आपके जीवन में चल रहा है। वर्तमान समय में इन 10 दिनों में यानी 21 से लेकर 30 नवंबर के बीच में मंगल, सूर्य और बुध ये तीन ग्रह आपके 11th हाउस पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे, यानी लाभ भाव पर तीनों ग्रहों की मौजूदगी रहने वाली है। इसमें मंगल सूर्य के द्वारा पराक्रम योग बनेगा और सूर्य बुध के द्वारा आपके लाभ भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण भी होने वाला है। उसके साथ साथ बृहस्पति आपके केंद्र में रहेंगे यानी चतुर्थ भाव पर, सुख भाव पर रहेंगे। राहु आपके पराक्रम भाव पर, केतु देव आपके भाग्य भाव पर शुक्र के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां मकर राशि वाले जातकों आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं इस समयावधि में आपके जीवन में किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में किस प्रकार रहने वाला है। मकर राशि के जातकों कर्म भाव के स्वामी आपके राशि के लिए शुक्र माने जाते हैं जो आपके भाग्य भाव पर नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं। तो करियर के मामले में आपको यानी मकर राशि वाले जातकों को योजना बनाकर काम करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। शनि की साढ़े साती का प्रभाव है तो मन में नकारात्मक विचारधारा आपके ऊपर ज्यादा हावी होगी। ऐसे में मकर राशि वाले जातकों को अपने मन में उत्साह बनाकर चलना चाहिए और अपने आप को सकारात्मक व्यक्तित्व या सकारात्मक माहौल में रखकर आपको ज्यादा चलना चाहिए। बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो व्यापार में अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। खुद का व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। राहु आपके थर्ड हाउस पर हैं तो विदेश के मामले में यात्राएं होंगी, विदेश से आपको अच्छा खासा लाभ होने वाला है और अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। मकर राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, धन भाव के स्वामी आपके लिए शनि बनते हैं और धन भाव पर ही विराजित होकर गोचर करने वाले हैं।
वहीं आपके लाभ भाव पर बुधादित्य योग और पराक्रम योग बना हुआ है। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में शुभता नहीं दे रहा है। इसकी वजह से मकर राशि वाले जातकों को 21 से लेकर 30 नवंबर के बीच में आर्थिक प्रबंधन का ध्यान रखना होगा। आर्थिक रूप से यदि आप धन का कहीं निवेश कर रहे हैं, शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में, यहां पर आपको सावधान रहना है। लाभ भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव है, तो आप अपने जीवन में लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। कर्म क्षेत्र के द्वारा आप अपने जीवन में आय के साधनों की बढ़ोतरी करने में भी सफल रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मकर राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव भरा हुआ रह सकता है। इन 10 दिनों की समयावधि में चतुर्थ भाव पर आपके कुंडली में बृहस्पति की मौजूदगी और द्वितीय भाव पर शनि की मौजूदगी है, तो पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे बातों को लेकर सदस्यों के बीच में वैचारिक मतभेद भी हो सकता है और तालमेल की कमी भी आपके जीवन में आपको परेशान कर सकती है। इसलिए मकर राशि के जातकों को इस समयावधि में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए जीवन में कुटुंबी जनों के साथ धैर्य बनाकर चलना चाहिए और पारिवारिक जीवन में मकर राशि के जातकों, यदि किसी प्रकार की परेशानियां चल भी रही है तो उसको आसानी से आप नियंत्रण रखने का प्रयास करें, आसानी से हैंडल करने का प्रयास करें, तो समय आपके जीवन में अच्छा रहने वाला है। उसके साथ साथ शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार करते हैं। आपका जो पंचम भाव है काफी ज्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी है वो नीचस्थ अवस्था में आपके नाइन्थ हाउस पर विराजित हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह की कमी और मन में भटकाव ज्यादा रहेगा। ऐसे में विद्यार्थियों को इस समयावधि में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए मेडिटेशन करना बेहतर रहेगा। कोशिश करें आप अपने आप को ऐसे व्यक्तित्व के लोगों के साथ रखकर चलें जो सकारात्मक विचारधारा के हैं। नकारात्मक मित्र मंडलियों की संगति में रहने से भी मकर राशि के जातकों को बचना चाहिए, तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए, मकर राशि के जातकों, वैवाहिक जीवन के मामले में यह समय आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको देने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंधों में सामंजस्य की कमी दिखाई देगी और शुक्र के नाइन्थ हाउस पर नीचस्थ अवस्था में विराजित होने की वजह से वैवाहिक जीवन को लेकर आपको संभल कर इन दिनों में चलना होगा। स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दिया जाए, मकर राशि के जातकों, सेहत ही सबसे बड़ा धन है और आपके राशि के लिए स्वास्थ्य भाव के स्वामी बुध बनते हैं जो आपके 11th हाउस पर प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं और राशि के स्वामी चंद्र राशि से द्वितीय भाव पर विराजित हैं। तो इसमें मकर राशि के जातकों को गंभीर समस्याएं दिखाई नहीं देगी। सेहत के मामले में इन 10 दिनों की समयावधि में काफी फिट और अपने आप को तंदुरुस्त आप महसूस करने वाले हैं, लेकिन मकर राशि के जातक आप अपने जीवन में ये महसूस करेंगे कि आपका जो मनोबल है वो काफी कम है और मकर राशि वाले जातकों के अंदर कहीं ना कहीं आलस्य की अधिकता ज्यादा रहने वाली है। इसकी वजह से वजन बढ़ने की समस्या और कई बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में मकर राशि के जातकों को अपने जीवन में अपने शरीर की स्थितियों को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए रोजाना सुबह वॉक पर जाना, रोजाना सुबह व्यायाम करना, योगाभ्यास करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव मकर राशि के जातकों को देखने के लिए मिल सकता है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, शनि की साढ़े साती का प्रभाव है तो इस समयावधि में आपको, यानी मकर राशि वाले जातकों को, हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर रहने वाला है। शनि जी ने नकारात्मकता को जीवन से दूर करने के लिए दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ जरूर करें।
और पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, इससे भी आपको जीवन में काफी श्रेष्ठ स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। मकर राशि के जातकों, माता पिता के साथ, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ, माताओं बहनों के साथ किसी प्रकार का निरादर या अपमान सूचक शब्दों का जीवन में प्रयोग ना करें तो यह समय आपके जीवन में अच्छा रहने वाला है। और मकर राशि वाले जातकों, धार्मिक प्रयोजन में आप जरूर सम्मिलित हों, कोशिश करें कि सत्संग सुनने जाएं या मंदिर जाएं, इससे आपके जीवन में मानसिक विकारों से आपको निजात मिलेगी और मन में प्रसन्नता भी आपके जीवन में बढ़ने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होगा, तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।